चुनाव में बीजेपी जीती तो दिल्ली वासियों की मौज आनी तय है। हाल ही में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी में 5 रुपए में भरपेट खाने की योजना शुरू करने की घोषणा की थी। योगी की तर्ज पर चलते हुए अब दिल्ली बीजेपी ने 10 रुपए में भरपेट खाना खिलाने का वादा किया है। रविवार को दिल्ली बीजेपी ने निगम चुनावों के लिए 41 बिंदुओं वाला संकल्प पत्र जारी किया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने इस मौके पर कहा कि इन बिंदुओं पर चलकर दिल्ली को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों की स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लिया गया है। 10 रुपए में भरपेट खाने के अलावा निगम की सभी सेवाओं का पूर्णतः डिजिटलाइजेशन करने के वादे को भी शामिल किया है, ताकि किसी को भी निगम कार्यालय आने की जरूरत न रहे। इसके अलावा सभी वार्डो में पार्षद और RWA के अधिकारियों के साथ महीने में एक बार बैठक, फुटपाथों को अतिक्रमण से मुक्त करने, सभी लोगों को यूनिक प्रॉपर्टी कार्ड देने, सभी प्रकार के लाइसेंस सिंगल विंडो के जरिए न्यूनतम दस्तावेज के आधार पर उपलब्ध कराने आदि के संकल्प को इसमें शामिल किया गया है। तो साफ है, अगर MCD चुनाव में बीजेपी जीतती है तो जनता को न केवल सस्ते भोजन का तोहफा मिलेगा, बल्कि दिल्ली को स्मार्ट सिटीज में शामिल करने का बुनियादी काम भी शुरू होगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।